आज के इस सेशन के अंदर मैं आपको एडोब इलस्ट्रेटर के टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस विद आंसर्स बताने वाला हूं। तो आइए समझते हैं कि टॉप 50 क्वेश्चन जनरली क्या है। तो फर्स्ट इज इलस्ट्रेटर टूल विच इज शोन एज अ कम्प्लीटली ब्लैक एरो इज कॉल्ड डैश। यानी इलस्ट्रेटर के अंदर जो ब्लैक एरो होता है वो जनरली किस चीज़ को मेजर करता है, किस चीज़ को शो करता है। जो ब्लैक एरो होता है वो एज अ सिलेक्शन टूल को रिप्रेजेंट करता है। ओके, इलस्ट्रेटर टूल विच इज शोन एज अ वाइट एरो इज नोन एज। और इलस्ट्रेटर के अंदर जो व्हाइट एरो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्ट सिलेक्शन को। इफ़ यू विश टू एडिट अ शेप यू मस्ट क्लिक एन एंकर पॉइंट विद द। अगर हमें किसी भी शेप को एडिट करना है तो उसके लिए हमें कौन सा टूल यूज़ करना होता है, उसके लिए हमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज़ करना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक टूल शेप प्रोवाइड इन एडोब इलस्ट्रेटर। इनमें से ऐसा कौन सा है जो बेसिक शेप्स में इंक्लूड नहीं होता है। तो इसमें देखा जाए तो आपका जो ट्राइंगल है वो उसके अंदर पहले से नहीं होता है, बट हम पॉलीगन का यूज़ करके बना सकते हैं। तो डैट मीन्स कि बाय डिफॉल्ट नहीं होता है, सो डैट्स वाई इट्स अ करेक्ट आंसर। हाउ डू यू सेलेक्ट अ शेप डैट हैज़ नो फिल। अगर किसी शेप के अंदर कोई फिल नहीं है तो उसको आप किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, क्लिक द स्ट्रोक, यानी स्ट्रोक पे क्लिक करके। अगर आप बीच में क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट नहीं होगा, आपने स्ट्रोक पर क्लिक करना होगा या फिर क्लिक एंड ड्रैग करना होगा तो वो सेलेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइन द मैथड बाई विच एडोब इलस्ट्रेटर क्रिएट इमेज। यानी अगर हम एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर जो भी इमेज क्रिएट करते हैं, जो भी बनाते हैं, तो वो असल में क्या होता है, जनरली वैक्टर होता है। वैक्टर मतलब उसमें आप जो भी बनाते हैं उसके अंदर कोई भी पिक्सल शो नहीं होता है। पिक द करेक्ट प्रोसीजर टू ड्रॉ अ परफेक्ट स्क्वायर इन एडोब इलस्ट्रेटर। इलस्ट्रेटर के अंदर अगर हमें परफेक्ट एक स्क्वायर बनाना हो तो हम इसमें से कौन से टूल के थ्रू परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, तो चूज़ द रेक्टेंगल टूल, होल्ड शिफ्ट एंड ड्रैग कर्सर डायगोनली। यानी हमें बेसिकली क्या करना होता है, होल्ड शिफ्ट के साथ हमें यूज़ करना होता है। अगर हम नॉर्मल ड्रैग करेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो क्या होता है कि वो एज अ रेक्टेंगल बनता है, लेकिन स्क्वायर जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं उसके लिए हमें शिफ्ट को होल्ड करके ड्रैग करके फिर बनाओगे तो एग्जैक्टली स्क्वायर बनेगा वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कन्वर्ट अ रैस्टर इमेज टू वैक्टर इमेज। इनमें से कौन सा है जो कि रैस्टर इमेज को वैक्टर इमेज में जनरली कन्वर्ट करता है। तो इलस्ट्रेटर के अंदर हम उस ऑप्शन का नाम होता है इमेज लाइव ट्रेस। लाइव ट्रेस की मदद से हम उसको वैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स विल रिमेन सेलेक्टेड। यानी अगर आपने कोई टूल सेलेक्ट किया हुआ है तो वो जनरली कब तक सेलेक्ट रहता है, ठीक है, तो क्या रहता है कि जब तक हम कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं सेलेक्ट करते, कोई दूसरा टूल सेलेक्ट नहीं करते, तब तक वही टूल जनरली सेलेक्ट रहता है जो आपने लास्ट सेलेक्ट किया हुआ है। विच सॉल्यूशन लिस्टेड बिलो विल फिल एन ऑब्जेक्ट। यानी इसमें से हमें फिल ऑब्जेक्ट करना हो तो हम किस तरीके से फिल करेंगे, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड देन कलर फ्रॉम द कलर पैलेट। तो पहले आपको उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है जिसके अंदर आपको कलर फिल करना है, फिर कलर पैलेट की मदद से आप उसमें कलर फिल कर सकते हैं। होल्डिंग द शिफ्ट की वाइल ड्राइंग विद द पेन टूल वाइल कोज विच ऑफ द फॉलोइंग हैपन। अगर हम कोई भी हमने शिफ्ट प्रेस किया हुआ है और पेन टूल को हम ड्रैग कर रहे हैं तो उस समय क्या होगा, आपका जो आपका पॉइंट है वो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली 45 डिग्री पर क्या होगा, मूव होने लग जाएगा। ओके, एडोब इलस्ट्रेटर टर्मिनोलॉजी फॉर अ ड्रॉ लाइन इज। यानी एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर जो भी हम ड्रॉ करते हैं लाइंस को, उसको एज इसमें क्या बोला जाता है, पाथ। ओके, एट द एंड ऑफ ड्रॉइंग अ लाइन पाथ द पेन होल्डिंग ड्रोन द एंड पॉइंट एंड ड्रैगिंग विल कोज विच ऑफ द फॉलोइंग टू ऑक्योर। यानी कि अगर हम किसी भी पेन को होल्ड करते हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक को, ठीक है, तो उस लाइन को जनरली क्या बोला जाता है, कर्व बोला। अगर आप सिंपल क्लिक क्लिक करते रहेंगे तो क्या होगा कि वो कॉर्नर स्ट्रेट लाइन बनेगी, लेकिन अगर हम क्लिक एंड ड्रैग करते हैं तो क्या होता है, वो जो लाइन होती है वो कर्व बनती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल वुड बी यूज टू एडिट अ लाइन। यानी अगर हमें किसी इसमें इलस्ट्रेटर में लाइन को एडिट करना हो तो कौन सा टूल जनरली यूज करोगे आप, उसके लिए आपको यूज करना है डायरेक्ट सेलेक्शन टूल। ओके, हाउ कैन यू सेलेक्ट एंड मैनिपुलेट इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट इन अ ग्रुप। अगर आपको सपोज कोई ऑब्जेक्ट ग्रुप हो रखा है उसमें से आपको इंडिविजुअली एलिमेंट को सेलेक्ट करके उसमें एडिट करना है या आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो किस टूल के थ्रू करेंगे, यानी कैसे करेंगे, यूज़ द ग्रुप सिलेक्शन टूल। तो हमें क्या करना है उसके लिए, हमें ग्रुप सिलेक्शन टूल आता है जो कि डायरेक्ट सिलेक्शन के अंदर होता है, वहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिड्यूस एन ऑब्जेक्ट प्रपोर्शनली। अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को रिड्यूस यानी कि उसको छोटा करना है बट प्रपोर्शनली करना है तो किस तरीके से करेंगे, सो ड्रैग द हैंडल ऑन द बाउंडिंग बॉक्स वाइल द डिप्रेसिंग शिफ्ट। अगर आप उसको प्रपोर्शनली करना चाहते हैं
तो स्विफ्ट यूज़ करना है, और बिना स्विफ्ट के करेंगे तो भी स्केल का होगा लेकिन वो अनप्रोपोर्शनली होगा, प्रॉपरली चारों साइड से इक्वली नहीं होगा, ठीक है। तो स्विफ्ट के साथ में क्या होता है कि वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो रिड्यूस हो सकता है, यानी कि छोटा या बड़ा कर सकते हैं प्रोपोर्शनली। विच ऑफ द फॉलोइंग डज द पैराग्राफ मेन्यू नॉट ऑपरेट, इसके अंदर से लाइक यानी जो पैराग्राफ मेन्यू है राइट, उनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि पैराग्राफ मेन्यू के अंदर नहीं है। तो लीडिंग ऑप्शन जो होता है ये पैराग्राफ का पार्ट नहीं होता है, ये एज अ करेक्टर का पार्ट होता है। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग चॉइस एंड ऑपरेशनल कंट्रोल बाय द करेक्टर मेन्यू, यानी इसमें से अगर हमें लाइक यानी करेक्टर मेन्यू में इनमें से कौन कौन से हैं, तो फॉर्मेट है, टाइप कलर है, हाइफनेशन, यानी कि जो लीडिंग होता है वो करेक्टर मेन्यू का पार्ट नहीं है, इसमें नहीं होता है। हाउ डू यू क्रिएट टाइप दैट फॉलोइंग द शेप ऑफ अ पाथ और एन ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर हमें कोई भी एक शेप क्रिएट करना हो पाथ एंड ऑब्जेक्ट यानी पाथ के ऊपर, तो उसके लिए क्या करना होगा, यूज़ द पाथ टाइप टूल, यानी आपको जनरली टाइप करना है किसी भी पाथ के ऊपर, क्या यूज़ होगा, यूज़ द पाथ टाइप टूल। तो पाथ टाइप टूल से हम क्या कर सकते हैं, उस पाथ के ऊपर, उस शेप के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। अ लाइन दैट इज ड्रॉन इन एडोब इलस्ट्रेटर दैट फिनिश वेयर इट बिगन इज कॉल्ड, यानी इलस्ट्रेटर के अंदर जो भी हम लाइन बनाते हैं और अगर हम उसको लास्ट पे क्लोज करते हैं तो उसको जनरली क्या बोलते हैं, क्लोज पाथ, ठीक है, जहाँ पर उसको फिनिश करते हो डेट इज कॉल्ड क्लोज पाथ। यू आर क्रिएटिंग अ पेज डेट विल बिकम अ वेब पेज विच अंटिल शुड यू सेट इन योर प्रेफरेंस, यानी कि अगर हम कोई भी वेब पेज बनाते हैं राइट, तो उसको वेब पेज बनाते टाइम पे हम इसमें कौन सा जो यूनिट्स होता है वो बाय डिफॉल्ट प्रेफरेंस होता है या आता है, पिक्सल, ठीक है। तो पिक्सल एज अ प्रेफरेंस किया जाता है वेब पेज बनाने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल विल कट अ पाथ इनटू टू डिफरेंट पाथ, अगर हमें किसी भी पाथ को टू डिफरेंट वे में कट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सीजर, तो सीजर की मदद से हम उसको टू डिफरेंट वे में डिवाइड। द पाथ फाइंडर टूल विल, यानी पाथ फाइंडर टूल जो इसमें से क्या क्या करता है, कंबाइन ग्रुप ऑब्जेक्ट, फाइंड पाथ टाइप, फाइंड पाथ स्ट्रोक या फाइंड पाथ डिसाइड, तो क्या करता है इसमें से देखा जाए तो कौन सा है, कंबाइन है, यानी कंबाइन जो होता है वो पाथ फाइंडर के अंदर ऑप्शन अवेलेबल है, बाकी इसमें नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कलर मोड इन इलस्ट्रेटर, इनमें से ऐसा कौन सा मोड है जो कि इलस्ट्रेटर में इंक्लूड नहीं होता है, स्पॉट कलर इसमें यूज नहीं किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ यूजिंग लेयर, इसमें से कौन सा जो है जो लेयर का यूज करने के बाद बेनिफिट नहीं है, सो आर्ट फॉर प्रिंटिंग इज अ कंट्रोल, यानी अगर हमने लेयर में बनाया है तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते बिकॉज वो सारा ही प्रिंट होता है, ठीक है। तो आर्टवर्क प्रिंटिंग इज नॉट कंट्रोल व्हेन यूजिंग नॉट लेयर, ठीक है। अ कर्व क्रिएटेड इन एडोब इलस्ट्रेटर इज कॉमनली रेफर टू एज अ डैश, यानी जो कर्व क्रिएट होता है उसको हम उसमें क्या बोलते हैं, कर्व वेक्टर सॉल्यूशन। द फॉलोइंग ओवरलैपिंग बॉक्सेस एट द बॉटम ऑफ द एडोब इलस्ट्रेटर टूल बॉक्स कंट्रोल, यानी जो ओवरलैपिंग टू बॉक्सेस होता है, ठीक है, द बॉटम ऑफ द एडोब इलस्ट्रेटर, यानी एडोब इलस्ट्रेटर के जो बॉटम पे उसको क्या बोलते हैं, यानी एक दूसरे को ओवरलैप होता है उसको बोलते हैं फिल एंड स्ट्रोक। से क्या होता है कि जो ओवरलैपिंग होता है यानी क्या, फिल एंड स्ट्रोक जो होता है वो एक दूसरे पे ओवरलैप होता है। अ सिंपल स्ट्रेट लाइन ड्रोन विद द पेन टूल इज ऑल्सो नोन एज, यानी अगर हम सिंपल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं पेन टूल से तो उसको क्या बोलते हैं, एज अ पाथ बोलते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट इन इलस्ट्रेटर 2033, तो इलस्ट्रेटर 2013-3 के अंदर कितने टाइप्स के ग्रेडियंट है, बेसिकली 3 टाइप्स ग्रेडियंट है, बट इससे पुराने वाले में 2 टाइप्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट इन इलस्ट्रेटर 2013-3, क्या इलस्ट्रेटर के अंदर 2023 इलस्ट्रेटर के अंदर 2 टाइप्स ग्रेडियंट है, फॉल्स, उसके अंदर 3 टाइप्स ग्रेडियंट है। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ सेलेक्शन टूल, अगर हमें सेलेक्शन टूल को सेलेक्ट करना हो तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी, वी है सेलेक्शन टूल का। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ क्लिपिंग मास्क, क्लिपिंग मास्क का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल 7। एंकर पॉइंट टूल इज यूज फॉर कॉर्नर पॉइंट इनटू कर्व एंड कर्व इनटू पॉइंट, यानी जो एंकर पॉइंट है क्या उसका यूज किया जाता है कॉर्नर पॉइंट को कर्व में कन्वर्ट करने के लिए या कर्व को इनटू पॉइंट में करने के लिए, तो क्या ट्रू है, यस ट्रू, तो उसी के लिए यूज किया जाता है, कॉर्नर से पॉइंट और पॉइंट से कॉर्नर। फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स इंक्लूडेड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट, क्या जो ट्रांसफॉर्मेशन का फंडामेंटल होता है ट्रांसफॉर्म टूल के अंदर, रोटेट इंक्लूड है, स्केल है, रिफ्लेक्ट, इन्वर्ट, तो इसमें इन्वर्ट नहीं इंक्लूड होता है, ओके। व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय द सॉलिड लाइन इन विच यू क्रिएट योर आर्ट वर्क,
यानी अपने इलस्ट्रेटर के अंदर हम जिसके अंदर अपना डिज़ाइन बनाते हैं उस सेक्शन को क्या बोलते हैं, एज अ आर्ट बोर्ड। तो आर्ट बोर्ड कैसी कहलाती है इसके अंदर, इसको एज अ पेज भी बोला जाता है। टूज इलस्ट्रेटर ट्रांसफॉर्म टूल, यानी अगर हमें इलस्ट्रेटर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन टूल यूज़ करना है, क्या है, ट्रांसफॉर्म ईच है, मूव है, रोटेट ऑफ जैल है या स्केल है, तो तीन भी आ जाएंगे, ट्रांसफॉर्म भी है, मूव भी है, रोटेट भी है, यानी ऑल ऑफ दैम, ठीक है। तो सारे जो हैं एज अ ट्रांसफॉर्मेशन के पार्ट है। वट इज़ द सेव फॉर वेब ऑप्शन लोकेटेड इन, यानी सेव फॉर वेब जो ऑप्शन होता है वो इलस्ट्रेटर में किस मेन्यू के अंदर अवेलेबल है, फाइल मेन्यू के अंदर वो अवेलेबल होता है। वट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ आर्टबोर्ड टूल, आर्टबोर्ड टूल की शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट ओ, उससे आप आर्टबोर्ड को रीमॉडिफाई कर सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं, इवन डिलीट या नया भी बना सकते हैं। वट इज़ द यूज़ ऑफ ग्रेडिएंट टूल, ग्रेडिएंट टूल का यूज़ क्या होता है, यूजिंग फिल वन कलर, नो यूजिंग फिल मोर देन, तो एक से ज़्यादा कलर फिल करने के लिए हमें ग्रेडिएंट टूल यूज़ करना होता है। होल्डिंग द शिफ्ट की वाइल ड्रॉ विद द पेन टूल विल कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग टू हैपन, यानी अगर हम शिफ्ट के साथ की करके कोई भी पेन टूल यूज़ करते हैं तो क्या होता है, वो 45 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली मूव होता है। एडोब इलस्ट्रेटर इज कॉल्ड एज, यानी एडोब इलस्ट्रेटर में से कौन सा है, बिटमैप नहीं है, मोशन नहीं है, रेस्टर नहीं है, यानी कि इनमें से तीनों में से कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा, नन ऑफ अबव। वट इज़ द इलस्ट्रेटर फाइल एक्सटेंशन, इलस्ट्रेटर का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो क्या होता है, डॉट AI, यानी जो भी हम सेव करते हैं वो डॉट AI फॉर्मेट में सेव। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल वुड बी यूज टू एडिट और लाइन, यानी इसमें से कौन सा ऐसा टूल है जो लाइन को यूज और एडिट करने के लिए किया जाता है, तो क्या है, डायरेक्ट सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन से हम पाथ को, लाइन को एडिट कर सकते हैं। द प्रेफर्ड प्रिंट रेजोल्यूशन इन DPI, यानी प्रिंट के लिए हम कौन सा रेजोल्यूशन कितना यूज करते हैं, DPI 300, ओके। द प्रेफर प्रिंट रेजोल्यूशन इन DPI, और जो प्रिंट रेजोल्यूशन DPI होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डॉट पर इंच, ओके, डॉट पर इंच यानी इसकी फुल फॉर्म होती है। व्हाट हैपन व्हेन यू प्रेस शिफ्ट कंट्रोल पी, अगर हम शिफ्ट कंट्रोल पी प्रेस करते हैं तो क्या होता है, हम किसी भी इमेज को जनरली प्लेस कर सकते हैं, प्लेस करने के लिए आपने शिफ्ट कंट्रोल पी यूज़ करना होता है। फैदर ऑप्शन इज अवेलेबल इन विच मेन्यू, यानी जो फैदर ऑप्शन है वो किस मेन्यू के अंदर अवेलेबल होता है, वो होगा इफेक्ट के अंदर, ओके। वट इज़ द डायमेंशन साइज ऑफ A4 शीट, A4 शीट का डायमेंशन क्या होता है, 210x297 mm के अंदर। डैश मोफो शेप एंड कलर बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट, यानी कौन सा जो होता है इसमें टूल होता है या ऑब्जेक्ट होता है जो शेप्स क्रिएट करता है ऑब्जेक्ट्स के बीच में, दो या दो से ज़्यादा, तो ब्लेंड की मदद से हम दो या दो से ज़्यादा शेप्स ऐड कर सकते हैं बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। वट इज़ द एक्सटेंशन नेम ऑफ एडोब इलस्ट्रेटर टेम्पलेट, अगर हम एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर टेम्पलेट्स बनाते हैं, सेव करते हैं, तो उसका फॉर्मेट क्या रहता है, AIT, तो AIT में सेव होता है, ओके। तो ये थे आपके टॉप 50 MCQ क्वेश्चंस